Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I'm your mathematics teacher and today's video is for class 4th. We are going to start our chapter, that is fractions. So in the previous video we had completed our chapter, that is multiples and factors. We are going to start a new chapter today. So let's get started. This is fractions. तो fractions के बारे में आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा 3rd क्लास में. तो आज आगे स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रैक्शन होता क्या है. सबसे पहले अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. होल का मतलब क्या होता है, एक पूरा चीज, कोई भी पूरी चीज, चाहे पूरा बॉक्स हो गया या पूरा कोई गोल चीज हो गई या कुछ भी. लाइक वन हाफ, वन थर्ड, टू थर्ड, वन क्वार्टर. देखिए अब इसको समझिए क्या कहने का मतलब है. जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है. ठीक है, एक सर्कल है, ये पूरा है. इसको क्या बोलेंगे हम, वन होल. एक होल है, होल पूरा मतलब ये पूरा है. ठीक है, अगर मैंने इसको दो इक्वल हिस्से कर दिए तो अब क्या हो गया, ये दो, ये थोड़ा सा इक्वल नहीं बना बट ये दो इक्वल हिस्से हैं. तो अब क्या हो गया ये, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये दो इक्वल हिस्से हो गए ना. तो इस पार्ट को अगर मैं लिखूं तो वन बाय टू होगा. क्यों, क्योंकि दो टोटल पार्ट है और इसका फ्रैक्शन हम बता रहे हैं शेडेड वाले पोर्शन का. ये शेडेड वाला पोर्शन है, इसका फ्रैक्शन हमें बताना है. ठीक है, सपोज कीजिए अब मैंने इसको कर दिए चार पार्ट में मैं इन तीन पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है हमें. तो टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. तो इसका आंसर जाएगा 3/4. इस तरीके से हम इनके आंसर्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो फ्रैक्शन समझ आया. किसी भी होल का कोई पार्ट, वन था, देखिए वन टू, जैसे यहाँ पे क्या है, कितने टोटल पार्ट्स होंगे, 2, और एक शेडेड होगा. इसमें वन थर्ड में क्या है, 3 टोटल पार्ट होंगे और एक शेडेड होगा. नेक्स्ट में क्या है, 3 टोटल पार्ट, 2 शेडेड, 4 टोटल पार्ट, 1 शेडेड. जैसे इसमें देखिए एक पूरा होल है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो चारों पार्ट का फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, चारों पार्ट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4. अगर इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4. अब फ्रैक्शन को देखिए कैसे लिखते हैं. अपर पार्ट फ्रैक्शन होता कैसे, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे, एक अपर पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है. ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, इसी पे बेस्ड आपकी जो 9.1 है, फ्रैक्शन क्या होता है समझ आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं. देखिए इसमें क्या है, आपको शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड. 1/2 शेड करना है, मतलब ऊपर जितना है उतना शेड करना है. 1 है ना, तो 1 पार्ट इसको ऐसे शेड करना है आपको. ठीक है, 1/3 में से 1 पार्ट शेड करना है, 4 में से 1 पार्ट शेड करना है, बस आपको ऐसे शेडिंग करनी है. टेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड. पूरे शेप का फ्रैक्शन लिखना है आपको कि शेडेड कितना. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो टोटल है, तो टोटल हमने लिख दिया 8. शेडेड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 शेडेड है, तो ये 7 लिख दिया, तो 7/8. नेक्स्ट देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 टोटल है, 8 लिख दिया, और शेडेड कितने हैं, 4, तो 4 आ गया. नेक्स्ट देखिए इसमें 3 टोटल पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है, तो 1/3. इस तरीके से इनके आंसर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट है मेक अ फ्रैक्शन वेयर, इसमें आपको फ्रैक्शन लिखना है. न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो आपको सब में ऐसे ही फ्रैक्शन लिखना है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स चूज फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से चूज करना है आपको. देखिए 1/3 इज रिटर्न एज 1/3, ऐसे 1/3 इस तरीके से हम लिख सकते. 1/4 इज कॉल्ड, तो यहाँ पे 1/3, देखिए 1/4 इज कॉल्ड डैश और डैश. 1/4 को क्या क्या बोल सकते हैं हम, 1/4 को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्वार्टर, और क्या बोल सकते हैं इनमें से, देखिए 1/4. ठीक है, 1/2 को क्या बोलेंगे हम, हाफ, ये लिखा हाफ. 1/5 इज ऑल्सो रिटर्न एज 1/5. डैश इज 1/3 टू मेक अ होल, डैश इज 1/3 टू मेक अ होल. देखिए क्या मतलब है इसका, कि कितने 1/3 चाहिए ताकि हमारे पास एक पूरा बन जाए, तो हमें कितने चाहिए, 3. कितने 1/4, तो यहाँ 4. तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में फिल करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, उसका कॉन्सेप्ट है दैट इज पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन. पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन, देखिए पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन का क्या मतलब होता है. जैसे हमारे पास 6 बॉल्स हैं, उनमें से आधी बॉल्स ब्लू कलर की हैं और बाकी व्हाइट कलर की हैं. तो व्हाइट कलर की कितनी बॉल्स हुई,
तो देखिए जैसे सिक्स बॉल्स है, हाफ कर लीजिए इनका, सिक्स का हाफ मतलब सिक्स को करिए हाफ से ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। सिक्स को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहां हमारा आंसर आ गया थ्री। थ्री आ गया तो मतलब थ्री तो बॉल्स व्हाइट हैं और थ्री बॉल्स ब्लू हैं, ठीक है। तो यहां आ गया हमारा हाफ ऑफ सिक्स कितना आ गया थ्री। हमने क्या किया सिक्स को यहाँ टू से डिवाइड कर दिया या फिर वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। देखिए देयर आर टू ग्रीन रॉक्स एंड नाइन ब्राउन रॉक्स, कितनी है टू ग्रीन रॉक्स है और नाइन ब्राउन रॉक्स है, टोटल रॉक्स कितनी हो गई टू और नाइन इलेवन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ग्रीन, तो कितना हो गया जो वो फ्रैक्शन लिखना है जो ग्रीन, तो ग्रीन टोटल कितने हैं टू हैं और हमारे पास फ्रैक्शन कितने हैं टू ग्रीन और नाइन, नाइन और टू कितने होते हैं इलेवन, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा टू बाय इलेवन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के भी फ्रैक्शंस लिख लेने हैं या आपको नोटबुक में करना है। देखिए इसमें देख लीजिए, ग्रैंडमा पोर्ड सेवन कप्स ऑफ वाटर एंड ट्वेल्व कप्स ऑफ मिल्क इन द पॉट। सेवन कप्स वाटर और ट्वेल्व कप्स मिल्क, तो सेवन और ट्वेल्व कितना हो गया, पहले ये देखिए सेवन और ट्वेल्व कितने हो गए नाइनटीन, नाइनटीन हो गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड वॉज मिल्क, तो मिल्क का फ्रैक्शन पूछा हुआ, तो मिल्क का फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो मिल्क कितना है हमारे पास ट्वेल्व कप और टोटल कितना था नाइनटीन, तो ट्वेल्व बाय नाइनटीन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको 9.2 के फाइव क्वेश्चंस है ये कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये दो एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ये 9.2 आपको बुक में सॉरी सिर्फ नोटबुक में करनी है, जो 9.1 है वो आपको बुक में करनी है सिर्फ। तो आप इसको कंप्लीट करके और सेंड कर दीजिएगा अपने टीचर्स के पास। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी थर्ड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।